राज्यसभा ने जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को पास किया था। सरकार द्वारा इसे 1 अप्रैल 2017 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी बिल क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं। जीएसटी बिल क्या है? जीएसटी बिल भारत के कर ढांचे में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स कानून है। जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगाया जाता है। जीएसटी बिल लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो गया है और ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, लॉटरी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पर लगने वाले सेस और सरचार्ज आदि जीएसटी में समाहित हैं। अब पूरे भारत में एक ही प्रकार का जीएसटी लगता है। अब सवाल आता है कि क्यों जरूरी है जीएसटी बिल? भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वर्तमान कर व्यवस्था के अंतर्गत जब व्यापारी उत्पादन करता है तो उत्पादन कर निर्यात करता है तो सीमा शुल्क और जब देश के अंदर वस्तु को बेचता है तो बिक्री कर देता है। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था के अंदर उसे हर चरण में कर यानी कि टैक्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की वर्तमान कर व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। सरकार का वस्तु एवं सेवा कर को लाने का मुख्य उद्देश्य इन सभी अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके पूरे देश में एक ही प्रकार का कर लगाना यानी कि टैक्स लगाना है। आइए अब बात करते हैं कि जीएसटी की दर कौन तय करता है। जीएसटी संबंधित फैसले लेने के लिए संवैधानिक संस्था जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। जीएसटी काउंसिल में केंद्र व राज्य दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। इसका मुखिया केंद्रीय वित्त मंत्री होता है जबकि राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरण जोश.com।